व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, बेल आइकन दबाएं और टीवीएफ की कोई वीडियो मिस ना करें। अब भी जिसने बुक ना खोला वो स्टूडेंट बड़ा हरामी है। टीचर सही दिशा ना दे फिर बेकार पटानी है। आमाके शॉप समय लगतो हमको हमेशा लगता था कि स्कूल में दूठो टाइप का स्टूडेंट लोग होता है। एक जो चुपचाप आंसर शीट पकड़ लेता है और दूसरा जो रोता चिल्लाता एग्जाम हॉल की तरफ पड़ता है। और फिर हम तीसरा टाइप का स्टूडेंट से मिला। हम आज भी उस सबको भोंड होके देखता है, बेखौफ अपना लास्ट एग्जाम की तरफ पड़ता। काश ये तुम्हारा लास्ट एग्जाम नहीं होता। ये अंत नहीं है मशरफ़े मुर्तज़ा सर, हम जैसे और भी सिंसियर स्टूडेंट्स आएंगे, और भी। एटा समय पोहा लिखा। मेरा दादाजी मोशरफ़ मुर्तज़ा स्कूल का सबसे भालू टीचर था। हमको भी उनका जैसा टीचर बनना है, जिसके लिए हमको अच्छा स्टूडेंट्स चाहिए। हम सिर्फ इसके लिए मछुआरों के साथ बॉर्डर पार करके बांग्लादेश से इंडिया आया है। मिस चू, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैंने टेस्ट पेपर्स बांट दिए। आपको ट्यूशन पढ़ाने के लिए अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे अब। थैंक यू। ट्रू, जेब्रा को अरबिक में अलजेब्रा बोलते हैं। False. MNC is not MC. It's YMC. H2RO जब मिलता है, थोड़ा वाटर डलता है, उसमें मैगी बनती है। बुमरा बुमरा जसप्रीत बुमरा, आंसर दिखा दे भाई, भेजा ये गुमरा। टापने से बन जाते टॉपर क्या, सी यू शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉपर क्या, ट्यूशन में अपना कोई फ्यूचर नहीं छोटे, चल बम्बई बनते हिप हॉपर क्या। मैं मात्र चौथ हूँ जो स्कूल में आया। हम इस शौक को लेकर अपने दादाजी के पास कैसे जाएगा, हमको तो प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ेगा। उसकी नौबत नहीं आएगी मिस चू, आप बुरखा पहन लेना। आई थिंक वी नीड अ ब्रेक। मीट मिस चुलबुली मुर्तज़ा। मिस चू, मीट आतिफ असलम। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। हाय लागू मिस चू। तो तुम भी यही पढ़ता है जी? कला विभाग में पढ़ाई कहाँ होती है, इसलिए मैं बस साहित्य पढ़ता हूँ और सहायता करता हूँ अपने वो विज्ञान विभाग वाले दोस्तों की। डीजे अंदर आ जा।
नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया है, आज से चट 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 एकदम बंद। अगर आज भी नहीं पढ़े तो चट फाड़ के मुंह में दे दूंगा। ओए, सूचना मंडल पे सूचना लगने से क्या हो जाएगा? तुझे सब आता है ना, तो तू पर्चे मत बना। तू चुप कर, आज सेक्शन। लास्ट वार्निंग, जय विज्ञान। पराठा भी घटिया दिया है साले ने। You stay no. क्या हाल है यू? और क्या चल रहा है? हाय, कैसा है? बढ़िया। और चंदू, क्या काम चल रहा है आज? आयुष आवाज अजय आया आज तो। तुम यहाँ भी पढ़ रहे हो? हाँ भाई, समोसे ले आया यार। वो ले आ भाई। मिस यू, मीट अजय जडेजा, क्लास मॉनिटर। और तुम्हारा स्टडी पार्टनर? तुम भी ना। मिस यू, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ट्यूशन छोड़ के अजय से पढ़ते हैं। वो समोसे ले आ भाई। इसके हाथों में जादू है यार। हाँ यार, इसके हाथों में जादू है भाई। वो काके कजरी छुट्टी है, छुट्टी ऑफ। कजरी ये वाला काम मैडम संभालेंगी। आमी बोलची के तुम्हारे माछ भात खूब पसंद हो। ए बोका चदरा के बोल दो कि हम इंडिया ये सब करने के लिए नहीं आए। बांग्लादेश तो टका तो इतनी समझती है यार। कहाँ खो गई आप? तुम लोग हमसे ट्यूशन पढ़ेगा? जी छोड़िए, ये विद्या ग्रहण की बातें बहुत नीरस लगती है। सहपाठियों, मैं प्रस्थान करता हूँ, अब भी इंतजार कर रहे होंगे। बा अबे हिंदी में बात क्यों नहीं करता है? अबे आ जाओ यार। चल छोटा है तेरा लाइक मुंह फली 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 चले 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 असलम की गली 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 भी बनाई है। अबू आप जानते हैं ना, मैं पर्चियों का हाथ तक नहीं लगाता। अरे तुमको अपने आर्ट्स डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट दोस्त नहीं मिलते हैं? यही मिलते हैं, साइंस सेक्शन के साइंटिस्ट। इसमें सेक्शन की बात कहां से आ गई अबू? चुप रहो। अबू ठीक कह रहे हैं, इस विद्यालय ने हम आर्ट्स के विद्यार्थियों को ना अपने दिल में जगह दी ना अपनी बिल्डिंग में। अरे हाथ नहीं कांपते तुम्हारे? तुमने मुझे देखा है कभी कलम उठाते हुए? देखा है कभी? मैं ना आपकी तरह बस इतिहास की तारीखें नहीं रख सकता मॉनिटर भाईजान, और ना ही रखना चाहता हूँ। अरे दम घुटता है मेरा इस सेक्शन में। अरे बाहर क्या देख रहे हो वीवीएस लक्ष्मण पांडे? नहीं सर, वो उल्टा रखा था। वो आओ बैठो। स्टाफ रूम तो तुम्हारे मार्क से काफी खुश है। ये जो तुमने चीटिंग कल्चर के विरुद्ध टिफिन खाओ आंदोलन शुरू किया है, इससे तो तुम्हारा कैंटीन का काफी खर्चा बच जाता होगा। ये लो, तुम्हारे और तुम्हारे लड़कों के लिए। लेकिन सर, आपने कल क्लास में नोट्स दिए तो थे। वो 500 और 1000 के पुराने नोट्स की तरह हैं, बेकार। असली नोट्स तो ये हैं। नहीं सर, मुझे सचमुच ट्यूशन की पढ़ाई पर भरोसा है सर। मैं ये लीक्ड क्वेश्चन नहीं रख सकता सर। लक्ष्मण, 100-200 क्वेश्चन ज़्यादा ले लो, पर अजय के स्टडी पार्टनर्स को स्टेशन में लैंड कराओ, समझे? तो आप हमें ट्यूशन पढ़ाए बिना इंडिया से नहीं जाएंगे? अब बांग्लादेश की तो कहीं एम्बेसी भी नहीं होती, पर आप बोलो तो आपको कहीं झोपड़पट्टी में छोड़ाऊं? प्लीज़,
एक क्लास पढ़ के तो देखो, ये मेरा लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश बनने का पहला मेरा दादाजी मौशरफ़ मुर्तज़ा BCCIS का हेडमास्टर था। उनका क्लास का फर्स्ट रो में बस तीन बच्चा बैठता था, अमर, अकबर, एंथनी। मालूम क्यों? सिटी अरेंजमेंट रोल नंबर वाइज होगा, तीनों का नाम ऐसे है ना? नहीं, क्योंकि सिर्फ उनका ग्रेड ए से था, बाकी पूरे क्लास का एफ, क्योंकि सिर्फ वही तीन बच्चा मेरे दादाजी से ट्यूशन पढ़ता था। हम बंगाली लोग का मानना है, अगर मन से पढ़ने वाले स्टूडेंट को मन से पढ़ाने वाला टीचर मिल गया तो काला जादू हो सकता है। 50 साल पहले होती होगी ये पढ़ाई वढ़ाई, अब कोई नहीं करता है बकवास का। एक मिनट करो, मैं करता हूँ, वरना मैं हर जीरो पीरियड में लाइब्रेरी में क्यों जाता हूँ? आई डोंट नो, मे बी तुझे शौक है वहाँ का फ्री वाईफाई यूज करने का। ओके ओके, मैं मानता हूँ कि मैं वहाँ का फ्री वाईफाई यूज करके नॉटी अमेरिका पे जाता हूँ, नर्ड कैटेगरी के फिल्टर लगा के सेक्सी टीचर्स के पॉर्न देखता हूँ, वो भी फुल HD में। पर फिर बाथरूम से वापस लौटने के बाद मैं अपने स्टडी पार्टनर के साथ बैठ के पढ़ता हूँ। वो टीचर मानते हैं मुझे, मुझे ध्यान से सुनते हैं। स्कूल में ध्यान व्यान देने वाला कोई टीचर नहीं है। हाँ, और किस टीचर पर ध्यान दें, जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछते हैं या बात बात पर सरप्राइज टेस्ट लेते हैं या जो कक्षा में सो जाते हैं ताकि बाद में बहुत सारी धनराशि लेकर ट्यूशन का व्यापार चला सके। कोई भी स्कूल परफेक्ट नहीं होता, उसे बेहतर बनाना पड़ता है। आज हालत देखिए स्कूल की, कल यूनिट टेस्ट है, किसी ने भी नोट्स पढ़े हैं? मैंने पढ़ा है, अजय जैसे सिंसियर स्टूडेंट्स ने भी पढ़े हैं, ताकि तुम जैसे डफर को हम पढ़ा सके। करुण वहाँ देख, तू रीजनेबल हो रही है, ऐसे बेइज्जती मत कर। क्या गलत कह रही है पोहा? मिस जो, आप बांग्लादेशी हैं, आपके लिए बेइज्जती सहना आसान है, पर यहाँ पासिंग मार्क्स लाते लाते बच्चे पास आउट हो जाते हैं। और टीचर से डाउट पूछो तो टीचर खुद डाउट में पड़ जाता है, हम शौक से कर रहे हैं ना चीटिंग। करुण, चीटिंग करना बहुत आसान है और टीचर्स को गालियां देना तो और भी आसान है। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम बदलो ना स्कूल को, ये तुम्हारा भी तो स्कूल है। डाउट्स क्लियर करने तो टीचर्स के पीछे पड़ जाओ, ये नहीं तो सेल्फ स्टडी करो, ग्रुप स्टडी करो, चीट्स की जगह नोट्स बनाओ। पर ये तुम नहीं करोगे, और बताऊँ क्यों? क्योंकि अगर चीटिंग से लोग पास होते हैं तो कोई पढ़ाई क्यों करेगा? टीचर, तुम कब तक इन लोगों को चीट्स बनाना सिखाता रहेगा? बस 1 साल हो गया, स्कूल खत्म होने के बाद सब पीछे छोड़ जाओ। क्यों, तुम कॉलेज में भी बना ही सकता है? नहीं होती थी कॉलेज में पढ़ाई, वही बंक लगाओ, पैग बनाओ, बंदी पटाओ, टिकटॉक से टट्टी कट्टी गाने दी वीडियो बनाओ, ढिंचक चक थे ढिंचक चक। स्कूल के गेट के इस तरफ ना हम पढ़ाई की लेते हैं, इन स्कूल के गेट के उस तरफ पढ़ाई हमारी लेती है जी। कॉलेज में चिट्स काम नहीं आती, काम आती है तो किस्मत। मिस्टू, आपको पता है मेरे को BCCIS से पास आउट हुए 5 साल हो गए, अब तो दाढ़ी भी नहीं आया करती थी, लेकिन अब 5 साल में मैंने अपना स्कूल से नाम कटवाया, नए दाढ़ी, बहुत खुजली होती है यार। फिर भी ना, इधर इन बच्चों के बीच में दाढ़ी रखता हूँ तो DJ को एक इज्जत है, औकात है, लोग पहचानते हैं मेरे को, वो देखो कबीर सिंह जाना ऐसा बोलते हैं मेरे को। स्कूल के बाहर ना हजारों दाढ़ी वालों की भीड़ में मेरे ऐसे जाने कितने DJ ब्रावो को। बांग्लादेश का हर लड़की चाहता है कि वो बड़ा होकर कपड़ा फैक्ट्री में काम करे, और कुछ तो बड़ा होने का वेट भी नहीं करता। लेकिन हम कुछ अलग किया, टीचर बना। बाहर दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। डीजे, आपने बिल्कुल सही कहा था मिस्टू, एक अलग पहचान बनाने के लिए
कुछ अलग करना पड़ता है। तो आज से चीटिंग बंद, डीजे द प्रॉमिस। यू आर अ चैंपियन डीजे ब्रावो। हमार तो माछ भात से ज्यादा तुम पसंद हो। वर्मा चलो डिसाइड हो गया, पोहा ने 9th स्टैंडर्ड में मिस कर दिया था तो वो बायो पढ़ेगी, तुम फिजिक्स, तुम हिंदी और तुम किसी के ना समझ में आने वाला रसायन शास्त्र। ठीक है यार, बस अब मैथ्स बाकी रह गया, इसके बिना तो कैसे ही बनेगा हम मोर्टाजा 2.0। आप डिसमिल गलत जगह लगा रही हैं। पांडे तो जाए यहाँ से। एक मिनट, तुम बताओ कहाँ लगेगा मेरा डिसमिल? बकर चोदी की हद है ना, वो नंबर डिसमिल में है। 2 पॉइंट के आगे ओ लगा क्यों, जब वैल्यू उसकी निल में है। वैट लगने दे बता देंगे किसी भी दारू पे, उंगली पे बस जोड़ के देखे बिना क्या बिल में है। बकर चोदी की हद है ना, वो नंबर डिसमिल में है। जय पाइथागोरस। जैरो मिला था पर अजूबा से हमको हमारा ओमोर अपर एंथनी मिल गया था। अब पारी था अग्निपथ पे चलने का। ऑटो ओ डीजे, ओ मैं पास हो गया यार। पास हो गया। एक मिनट। ओए अजय फेल हो गया। अजय फेल हो गया यार। अबे ढंग से पढ़। हाँ। अरे नहीं, एक और बार चेक करना। अजय फेल हो गया यार। हुआ? गाइस तुम्हें पता चला? अजय को पास नहीं कर सकता। उसे मैंने पहले भी समझाया था कि क्लास में अगर कोई डाउट है तो ट्यूशन ज्वाइन कर लो, लेकिन नहीं, आजकल के टॉपर्स पढ़ाई से ज्यादा चीटिंग पे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये कैसे असत्य वचन बोल रहे हैं एक होनहार विद्यार्थी के विषय में प्रधानाध्यापक महोदय? Whatever that means. Sir. Now get out of my room like a trace of bullet. Hello. अरे पीछे तो देखो। ये अजय को फेल करना कहीं हमारे ट्यूशन बिजनेस को ना ले डूबे। प्लान के मुताबिक फेल होने के सदमे से अजय ने स्कूल आना बंद कर दिया। अब तो उसके सारे स्टडी पार्टनर्स को ट्यूशन ज्वाइन करना ही पड़ेगा। उसके दोस्तों का क्या करें, थोड़ा देर के लिए घोटे मुंह में था। क्लास टीचर रवि शास्त्री कहते हैं कि अजय जडेजा चीटर थे, जबकि पूरा पेपर आउट ऑफ सिलेबस होने के बावजूद अजय जडेजा किसी भी पेपर में झांके नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ कठिन क्वेश्चनों का डटकर सामना किया। ऐसा कैसे कह सकते हैं शास्त्री जी, हम एक भी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, हम हल्ला बोलेंगे, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, हमारी एक एक मांगे पूरी। अरे मैडम आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ ना, इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। हम हल्ला बोलेंगे। मिश्रा जी ये क्या हो रहा है?
शास्त्री सर के ट्यूशन का काला धंधा अभी भी चल रहा है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे बच्चे उनकी ट्यूशन जाना ही छोड़ दें। फाड़ डालो उसके नोट्स को। हाँ, अगर एग्जाम से पहले नोट्स फट गए तो बच्चे ट्यूशन में भी नहीं जाएंगे और खुद से पढ़ेंगे। क्या? तो तुम्हें पता भी है इसका मतलब? उस नोट्स के बिना ट्यूशन के सारे बच्चे लटक जाएंगे। बच्चों को पढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी। ओ भड़का मत पांडे, जरा सी पढ़ाई करके किसी और को पढ़ाना तेरे लिए रोज की बात। जरा सी पढ़ाई? मिस चूनो जो हमें कराए वो जरा सी पढ़ाई थी है? शास्त्री सर रोज शाम के 7 बजे अपने नोट्स लेके निकलता है, वहीं फाड़ते हैं। फाड़ देते हैं? वाह, कौन फाड़ेगा उसके नोट? नहीं पता ना कौन फाड़ेगा उसके नोट। मैं फाड़ूंगा उसके नोट। नीचे तू फाड़ दे यार, मेरी फट रही है वैसे ही। ठीक है, मैं फाड़ दूंगा। शास्त्री सर कितने अच्छे हैं यार, अजय के फेल होने के कारण उसकी स्टडी ग्रुप की पढ़ाई नहीं हो पाई तो शास्त्री जी ने एग्जाम्स ही पोस्टपोन कर दी ताकि कोई स्टूडेंट फेल ना हो। लाल बहादुर के बाद बेस्ट शास्त्री हैं ये। साला सब बर्बाद हो गया। पूरे स्कूल को बताना पड़ेगा इसका सच। परंतु कैसे? मेरा नाम करुण नायर है। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर शास्त्री सर के ट्यूशन के नोट्स फाड़े। उन्होंने एग्जाम इसलिए ही पोस्टपोन कराए कि उनके ट्यूशन के बच्चे फेल ना हो सके। उन्हें किसी और की फिक्र नहीं थी। एक टीचर एजुकेशन दिलाने के लिए होता है, उन्होंने तो एजुकेशन को ही बिजनेस बना दिया। कौन रोकेगा इन्हें? हम जो खुद पढ़ाई से बचने के लिए इनके ट्यूशन में जाके बैठते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम खुद से पढ़ेंगे, खुद से। कोई भी स्टूडेंट पास नहीं होना चाहिए। जब पूरा स्कूल फेल करेगा तब देखता हूं गार्जियंस अपने बच्चों को ट्यूशन कैसे नहीं भेजते। पूरे स्कूल से फोन आ रहे हैं, ये ले, जितने जवाब दे सकता है दे दे। शास्त्री 15 मिनट में वाईफाई बंद करवा देगा यहाँ का। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। आपको अभिषेक की धूम 4 की स्क्रिप्ट भी फाड़ देनी चाहिए। फाड़िए। अमित जी हम क्या क्या फाड़ेंगे? कुछ बदलना है तो खुद को बदलना होगा। हेलो, मैं मांझलकर बोल रहा हूँ। अगर शास्त्री सर को पता चल गया तो तुम सब फेल हो जाओगे। फेल होने से डर नहीं लगता?
अब नहीं लगता। अरे तुम कुछ भी कर लो, कोई नहीं पढ़ने वाला स्कूल में। कोई स्कूल परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। सेल्फ स्टडी करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, चिट्स की जगह नोट्स बनाएंगे। हम बदलेंगे स्कूल को, ये स्कूल बदलेगा। डीजे करुण निकलो, लौड़ो पहली फुर्सत में निकलो। डीजे यार, ये तो क्वेश्चन पेपर है। और दो क्यों? तो पास आउट हो गया ना? ओ कोई नहीं यार, इस बार मैं भी बिना चीटिंग के पास करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाऊंगा। 5 साल से इन्हीं के पास पढ़ा है साला। काके? हाँ यार, सोच रहा हूँ मिस चू के साथ ना बांग्लादेश शिफ्ट हुआ, पर एक टेंशन है यार, क्रिकेट की टेंशन। समझ नहीं आता विराट कोहली को सपोर्ट करूंगा या शिव बहन दे टके शाके। और फिर हम तीसरा टाइप का स्टूडेंट से मिला। स्टडीज की चिंगारी को हम आग में बदल देंगे जो इस स्कूल से निकल के इंडिया की सारी स्कूल तक फैलेगी। डीजे के दिखाए रास्ते पे चल के हम हर एग्जाम में पास होंगे। आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो सिलेबस का भीतर कहीं होगा। हाँ महेंद्र सिंह, आप मास्टर जी आप क्या कर रहे हो? नोट्स बना रहे हैं भाई, क्लास में पढ़ाएंगे फिर सबको पास कराएंगे। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने स्कूल और कॉलेज में एग्जाम में कैसे चीटिंग की। एंड मीटा राइटर फ्रेंड जिन्होंने खुद अमेज़न के जंगल में जाके स्क्रिप्ट लिखी है। क्या मैं जंगल कब गया? तेरी दाढ़ी से तो यही लग रहा है। एग्जैक्टली, दिस इज माय बियर्डेड लुक ब्रो। मेरे बियर्डेड दोस्त, अगर दाढ़ी रखनी है तो स्टाइल करना, एक्सपेरिमेंट कर, कुछ फ्रेंच बियर्ड रख ले या फिर डीजे की तरह मुस्टैश रख ले, एक्सपेरिमेंट कर यार। इट्स सिंपल यार, ब्रेक द बियर्ड। And guys, please subscribe to the Viral Fever, follow us on Instagram, our Insta handle is TVF Kujiappa, and download the TVF Play app, do it right now.